आज बनाएंगे हम छोले पालक। वैसे तो अक्सर हम पूरे साल भर छोले बनाते हैं, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में पालक की भाजी बहुत ही बढ़िया मिलती है तब आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से आप छोले पालक बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। छोले पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम छोले को भिगो दिया था और फिर उसे प्रेशर कुक कर लिया है। 250 ग्राम मैंने पालक की भाजी ली है। भाजी को भी मैंने पानी से बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लिया है ताकि उसके अंदर की मिट्टी निकल जाए। साथ में यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, 7 से 8 कली लहसुन की है और एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर मैंने अदरक का लिया है। सबसे पहले हम पालक की भाजी को ब्लांच करेंगे। पानी को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। जब पानी उबलने लगे तब उसके अंदर हम चुटकी भर सोडा डालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तीनों को अच्छी तरह से पानी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को पालक को ब्लांच करना कहते हैं। इस तरह पालक को ब्लांच करके जब हम छोले पालक बनाएंगे तो उसका जो कलर है पालक का वो बहुत ही बढ़िया ग्रीन रहेगा। आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं और पालक पनीर ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा कि पालक का जो कलर होता है वो बहुत ही बढ़िया हरा होता है। पालक को ब्लांच करके जब आप सब्जी बनाएंगे तो उसका कलर बहुत ही बढ़िया हरा आएगा। इसे हमें बस 3 से 4 मिनट के लिए ही पानी के अंदर उबालना है, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट में ही हमारा पालक बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो इसे अभी हम एक छलनी के अंदर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बिना ब्लांच किए भी पालक की प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर कुक करके बनाएंगे तो पालक का जो कलर है वो थोड़ा सा काला हो जाएगा। अगर आपको पालक पनीर बनानी है या फिर हैदराबादी बिरयानी बनानी है और उसमें आपको पालक की ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से पालक को ब्लांच करके फिर ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया उसका हरा कलर आएगा। अब इसे तुरंत ही हम ठंडे पानी के अंदर रख देंगे। पालक को हमने गर्म पानी में से तो निकाल लिया है, लेकिन उसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो अंदर चालू ही रहता है, तो वो प्रोसेस बंद करने के लिए इसे हम ठंडे पानी के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर निकाल कर उसकी प्यूरी बना लेंगे। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। टमाटर को मैंने कद्दूकस किया है। आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड भी कर सकते हैं। अदरक और लहसुन की मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। पालक की भी मैंने प्यूरी बना ली है। प्यूरी बनाते वक्त बिल्कुल भी पानी मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो अब हम छोले पालक बनाते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक के अंदर 5 बड़े चम्मच घी गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो तेल के अंदर भी छोले पालक बना सकते हैं, लेकिन अगर घी में बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी घी की। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग। जीरा अच्छी तरह से चटकने लगे तब उसके अंदर हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेना है। जब तक इसका बढ़िया सा गुलाबी कलर नहीं आ जाता तब तक इसे हम सौते करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी कम रखा है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो वो दोनों आप स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज और लहसुन डाले भी आप छोले पालक बना सकते हैं, वो भी टेस्ट में बढ़िया लगते हैं। 1.5 से 2 मिनट के बाद जब प्याज इस तरह से थोड़े से सिक जाए तब उसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। जब भी आप छोले पालक बनाएं या फिर छोले बनाएं तो लहसुन को अच्छी तरह से पकने दें। लहसुन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाना चाहिए। अगर लहसुन कच्चा रह जाता है तो फिर छोले के अंदर उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। अभी प्याज, अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून चुके हैं तो इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, लेकिन अगर आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर उसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। टमाटर को हमें गलने तक पका लेना है, जिसमें हमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। अभी हम इसके अंदर मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, मैंने अभी 1/4 टीस्पून डाला है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिक्स कर लेंगे इसे। मसाले भी आप टमाटर के साथ ही डाल दें ताकि वो भी अच्छी तरह से भून जाए। मैंने अभी यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च आती है उसका इस्तेमाल किया है ताकि हमारे छोले पालक स्पाइसी बने लेकिन ज़्यादा लाल कलर उसका ना आए। अगर आपको
कम तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच छोले मसाला। छोले मसाला हमें सबसे लास्ट में डालना है ताकि छोले के अंदर उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आए। छोले मसाले को मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम ब्लांच किया हुआ पालक का पेस्ट। जब आप पालक को ब्लांच करके पेस्ट तैयार करते हैं तो उसका जो हरा कलर है वो बना रहता है। जब हम इसे पकाएंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हमने उसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड किए हैं। अगर आपको बहुत ही बढ़िया वाला हरा कलर चाहिए तो आप लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए तेज कर देंगे और ग्रेवी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। वैसे तो हमने पालक को ब्लांच किया था और 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर उसे पका भी लिया था, तो अभी ग्रेवी को हमें बहुत ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं है। जब ग्रेवी में इस तरह के बबल आपको दिखाई दे तब गैस की फ्लेम को आप फिर से स्लो कर दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमने जो छोले तैयार करके रखे हैं वो। अगर बच्चों को पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से छोले पालक बना सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। छोले को मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि छोले के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसमें बढ़िया फ्लेवर आ जाए। अभी आपको ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली लग रही है, लेकिन 5 से 7 मिनट उबालने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और जब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो वो और गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से उबल चुकी है, उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है मसाले की वजह से। अभी यहाँ पर हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे ढाबे जैसी। तो मैंने कोयला यानी कि चारकोल को गैस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और ये गर्म कोयले को हम एक कटोरी के अंदर रखेंगे और फिर छोले के अंदर वो कटोरी रख देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से इसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलेगा। अब हम इसे कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। ऐसा करने से हमारे छोले के अंदर ढाबे में जो छोले मिलते हैं और उसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो आ जाएगा। इससे छोले का जो अरोमा यानी कि सुगंध है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब हम कोयले को निकाल देंगे और जो घी है उसे हम छोले पालक के अंदर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बिना स्मोकी फ्लेवर दिए भी छोले पालक एज इट इज सर्व कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो ग्रेवी है वो 5 से 7 मिनट के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमारा छोले पालक बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। वैसे तो ये छोले पालक को आप रोटी, पराठा, नान या फिर भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसे आलू मटर की पूरी के साथ सर्व किया है जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये छोले पालक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आपको आलू मटर की पूरी की रेसिपी देखनी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर से मिलेंगे।